207 साल के इतिहास में देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अरुंधति भट्टाचार्य का मुखिया बनना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। 1977 में SBI बैंक से PO के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अरुंधति ने 36 साल की सेवा में खुदरा बैंकिंग, ट्रेजरी और कॉरपोरेट वित्त जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर SBI में शीर्ष पद को प्राप्त किया। बैंकिंग जैसे सेक्टरों में अभी तक सिर्फ पुरुष प्रतिनिधित्व का ही वर्चस्व था, लेकिन पिछले कुछ समय से महिलाओं ने इस क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। ऐसा ही एक नाम है नैनालाल किदवई का, जो HSBC इंडिया की भारत में मुखिया हैं। वर्तमान में फिक्की की अध्यक्ष नैनालाल ने सन 1982 से अपने करियर की शुरुआत की। महिलाओं के लिए ये हर्ष की बात हो सकती है कि नैनालाल पहली भारतीय महिला है जिन्होंने किसी विदेशी बैंक का भारत में संचालन किया है। We've seen that there is a potential role for women in various sectors of banking that is largely unutilized. We have in India itself few instances of women bankers that have who have been remarkably successful, and I think this trend would continue. बैंकिंग कारपेट पर महिलाओं का सुनहरा सफर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते कई पुरस्कारों के अलावा पद्म विभूषण से सुशोभित चंदा कोचर ICICI बैंक में प्रबंध निदेशक हैं। 1984 में बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत करने वाली चंदा कोचर का MD तक का सफर MD पद के लिहाज से काफी कम समय में तय हुआ। ICICI बैंक से 1980 में शुरुआत करने वाली शिखा शर्मा देश के तीसरे सबसे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक की मुखिया बनी। रचनात्मक क्षमताओं के चलते बैंक ने इनके नेतृत्व में करिश्माई तरक्की की। बहरहाल जिस तेजी के साथ बैंकिंग क्षेत्र में महिलाएं कदम बढ़ा रही हैं, उसे देखकर लगता है कि आने वाला समय महिलाओं के लिए स्वर्णिम होगा, खास तौर से बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य में। आकाश से लेकर अंतरिक्ष तक और नीति से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। 207 साल के इतिहास में SBI प्रमुख के पद पर पहुंची अरुंधति भट्टाचार्य सिर्फ एक ही नाम नहीं है, बल्कि चंदा कोचर, नैनालाल किदवई और शिखा शर्मा जैसी महिलाएं अभी तक पुरुषों के वर्चस्व वाले बैंकिंग क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का परचम लहरा रही हैं। वीरज सिंह, GD News, दिल्ली।